हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। एंड फिर भी मैं आज आप लोग को एक्सप्लोर करने वाला हूँ लाइफ ऑफ सिविल इंजीनियर, कि सिविल इंजीनियर का लाइफ कैसा होता है एंड क्या क्या वर्क होता है। तो मैं आप लोग को लेकर के चलने वाला हूँ साइट पे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ एज ए जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो लोग सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं या जिसके भी गार्जियन लोग अपने बच्चे लोग को बनाना चाहते हैं सिविल इंजीनियर, तो ये वीडियो जरूर देखना और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना गाइस, ठीक है। ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं अपने साइड पर लेकर के जाऊँगा आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ साइड पर और आप लोगों को वहाँ से बताता हूँ। तो अभी ब्लॉग में बने रहें। ये रहा हमारा हम सफ़र, जिससे कि मैं डेली साइट आता हूँ और जाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं अभी बाहर आया हुआ था तो मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिला। ये आप लोग देखो, बहुत ही मस्त चीज़ है, ठीक है। तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं अभी आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हो कितना बड़ा आदमी है, आदमी ने ये टंग कुछ लगाया हुआ लगता है। यह है एक स्मार्ट तरीका जिससे कि आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। उनकी खिदमत में ये दिमाग तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा फाइनल व्यू मेरा 99 कोलांचल सिटी। 99 कोलांचल सिटी एक साइट है जो कि 99 ग्रुप्स ऑफ कंपनी का, ठीक है। तो ये रहा इंटरफेस और यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर एंड फिर देखेंगे कि क्या और क्या नहीं है अंदर, ठीक है। यहाँ पे बनता है हम लोग का अटेंडेंस और ये रहा पूरा फुल व्यू। बहुत ही अच्छा प्लॉट है और अंदर में बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया है, आगे में मंदिर वगैरह है, पार्क है, मेडिटेशन पार्क है और भी बहुत सारा चीज़ है। तो मैं अभी आप लोगों को लेकर के चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ कि क्या है। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, अंदर में यहाँ पे मंदिर है और यहाँ के जितने भी सोसाइटी के मेम्बर हैं सबको मिल करके यहाँ पे दुर्गा पूजा ही आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ लेआउट करने के लिए और लेआउट क्या होता है प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि लेआउट बहुत लंबा होता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लेआउट क्या होता है। तो सबसे पहले सिविल इंजीनियर का सबसे इंपॉर्टेंट लेआउट होता है, तो चले चलता हूँ और देखता हूँ। ये रहा गाइस कॉलम का लेआउट और किसी भी प्लॉट में दो बार लेआउट होता है, ठीक है। एक बार लेआउट हो चुका है और एक बार फाइनल लेआउट करेंगे। तो और ये रहा हमारा प्लॉट जिसमें कि कॉलम का पॉइंट निकलेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ अपने कुछ इम्पोर्टेंट दोस्त से जो कि मेरे साथ साइट पे काम करते हैं। तो जैसा कि पहले आप देख सकते हैं अजहर, कम माय ब्लॉग ब्रो। हेलो, हाय फ्रेंड्स। और ये है जूनियर इंजीनियर, ठीक है। एंड कम भाई, कम माय ब्लॉग। और ये है आदिल नज़ीर जो कि है यहाँ का डिज़ाइनर, ठीक है। और एक इरफान अभी आ रहा है लेआउट करने के लिए, तो इधर थ्रेड दिखाएगा हज़र। तो जैसे कि जनरली हम लोग जब भी लेआउट वगैरह करते हैं तो उसमें तीन चार चीज़ का जरूरत पड़ता है। सबसे पहला एक लेआउट, दूसरा आपका थ्रेड, तीसरा आपका स्टील बार कट पीस रड होता है, और जो कि आपको प्लॉट मैंने आप लोगों को दिखा ही चुका है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लेआउट करते हैं और इरफान आएगा तो इरफान से भी इंट्रोड्यूस होगा। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हो रहा है डायगोनल का प्रोसेस। अजहर, इमरान, इरफान, इरफान इधर देख लेगा। अफगानिस्तान वाला रोल लिया भाई। तो ऑलमोस्ट लेआउट वगैरह हो गया है कंप्लीट, अभी पॉइंट दिला रहा है, ठीक है। आदिल नज़ीर पूरा मोबाइल का मस्ती ले रहे हैं इधर। डिजाइनर ब्रो इधर देख लो,
तो अभी और भी बहुत सारा चीजें एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर में। तो इंच है ना, फ्रंट में भी फ्रंट, इसलिए टोपी पहन के आते हैं गाइस, बहुत ज्यादा धूप लगता है। कितना हो रहा है? और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि जो मैं घर लेकर के जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, वो उसे मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। डिज़ाइन आर्किटेक्ट बनाए थे और बाकी पूरा जितना ब्रिक वर्क, स्लैब कास्टिंग जितना भी सब कुछ मैंने करवाया है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और आप बताना कि कैसा है कमेंट्स करके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और ये रहा आपका पूरा बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन लाइन। जो भी लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं तो उन्हें मतलब थोड़ा सा तो काला होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रहा पूरा बैकग्राउंड। अभी उधर उधर साइड में पीछे भी और भी घर बनने वाला है। चलिए मैं अभी आप लोग को लेकर के चलता हूँ जहाँ पे मैंने घर बनवाया, वो वाला बैक कैमरा से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा वो घर, ठीक है। एंड चलिए मैं अभी आप लोग को अंदर लेकर के चलता हूँ, और ये जो घर के ऑनर है वो अंकल जी, मैं उससे भी आप लोग को मिलवाऊंगा और रियल फीडबैक दिलवाऊंगा कि मेरे काम से वो कितने सेटिस्फाई हैं। और पहले मैं आपको घर दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो कि लक्स ट्यूलिप्स है, जो कि 1500 स्क्वायर फीट का है। अभी और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है। एंड ये रहा इसका हॉल। मेरा सूट खुला हुआ है। ये रहा एक रूम, देख सकते हो आप, बहुत ही मस्त है। जब भी आप घर बनवाओगे ना, जब घर बन जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है, ठीक है। एंड ये रहा इसका किचन। ये रहा किचन, ये रहा इसका एक और रूम। एंड यहाँ पे अंकल जी अभी पूजा वगैरह कर रहे थे। एंड ये रहा इसका बाथरूम। अभी और कुछ कुछ चीज है जो कि लगेगा इसमें, देखिए। ये रहा इसका रूम, समझिए ना। और यहाँ पे भी एक और बाथरूम है, और यहाँ पे बेसिन वगैरह लगा हुआ है। ये रहा आपका पोर्टिको जहाँ पे कार पार्किंग होगा। एंड ये रहा हमारा छत। ये रहा पोर्टिको का व्यू, यहाँ से ऊपर से आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा औसम है। एंड वहाँ पे रहा रूफ। यहाँ पे भी थोड़ा और काम चल रहा है। चलिए हम मिलाते हैं आपको अंकल जी से और पूछते हैं कि क्या मेरे काम से वो कितने सेटिस्फाई हैं, ठीक है ना अंकल? याद रहेगा आपके सर, बता दीजिए थोड़ा, मेरा काम से सेटिस्फाई है ना? मेरा काम से खुश है ना? हाँ ठीक है, अंकल पूरा खुश है। तो ऐसे ही करके हम लोग का सिविल का लाइफ चलते रहता है, आपस में दोनों से कस्टमर को खुश रखना। कस्टमर तब खुश रहते हैं जब आप उसके घर को अच्छे से बना करके दोगे, ठीक है। और 99 ग्रुप्स ऑफ कंपनी की एक ऐसा ब्रांडिंग कंपनी है जो कि हर कस्टमर को खुश रहता है अपने कामों से, ठीक है। तो अभी और आगे चीज़ जो होगा मैं शूट करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा। तो अभी के लिए यहाँ के लिए बाय। तो ये देख सकते हैं इरफान और हम अभी जा रहे हैं स्लैब कास्टिंग में, और जो छत का स्लैब कास्टिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लैब कास्टिंग कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर में अभी यहाँ पे हो रहा है, अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा धूप है यार, इसलिए मैं यार इरफान टोपी पहन के हूँ, क्योंकि टोपी बहुत ज़्यादा मस्त है, ठीक है। तो चलिए मैं छत पे लेकर के चलता हूँ और वहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। जैसे
जैसा कि गाइस देख सकते हो आप, ठीक है, ये रहा मिलर मशीन जहाँ से हम लोग का आरसीसी बनता है, ठीक है, वो रहा सीमेंट का बैग एंड वो रहा हमारा प्लॉट एरिया जहाँ पे स्लैब कास्टिंग हो रहा, ठीक है, अच्छे से दिखाता हूँ यहाँ से, देख सकते हो यहाँ पे छत का कास्टिंग हो रहा। अभी लेबर लोग रुके हुए हैं, आई थिंक हो सकता है लेबर लोग थोड़ा थक गए होंगे और उसके बाद रेस्ट करके फिर करेंगे, ठीक है। तो यही है एरिया जहाँ स्लैब का कास्टिंग हो रहा है। तो हम लोग जनरली जितना भी काम रहता है वो VBS में होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल, जितना भी रड का डिज़ाइन वगैरह होता है वो सब हम लोग करवा देते हैं। उसके बाद बस खाली स्लैब कास्टिंग के टाइम खड़ा होकर के चेक करते रहते हैं कि प्रॉपर तरीके से मटेरियल वगैरह डला रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और अगर नॉलेजेबल वीडियो होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जो सिविल इंजीनियर होगा उसे टैग करना। एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा पार्क एंड यहाँ पे अभी हो रहा है आपका थोड़ा सा और भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यहाँ पे अभी बहुत सारा चीज़ अभी लगने वाला है, ठीक है। एंड जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे अभी ये क्या भाई जेब्रा है, ठीक है, और वहाँ पे देख सकते हैं ये है जिराफ, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना गाइस। एंड इसी तरह से अभी डेली ब्लॉग बनने वाला है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो बाय।